श्रीपाद रामानुचार्य जो कह रहे हैं तदेवं चेतना चेतनात्मकं कृष्णं जगत मदीयं काले काले मत्ता एव उत्पद्यते मयि च प्रलीयते मयि एव अवस्थितं मत् शरीरभूतं मत् आत्मकं च इति अहमेव कार्यावस्थायां कारणावस्थायां च सर्व शरीरतया सर्व प्रकार अवस्थित। भगवान जैसे कपड़े का सूत होता है, इधर भी सूत है और इधर भी सूत है और सब एकत्रित होकर के कपड़ा बनता है। सूत से कपड़ा, रुई से सूत और रुई का पेड़ से रुई और बीज से पेड़। इसी प्रकार भगवान पहले बताए हैं बीजो हम सर्वभूताना, सब चीज का जो बीज है वो भगवान, भगवान ही असल कारण और सब कार्य। ब्रह्म संहिता में इसको आओ स्पष्टतया बता रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण, एक कारण और उसका कार्य। जैसे बीज उसका वो कारण है और उसका कार्य है पेड़, और पेड़ कारण है उसका कार्य है फूल, और फूल कारण है उसका कार्य है रुई, और रुई कारण है और उसका कार्य है सूत, और सूत कारण है और उसका कार्य है कपड़ा। तो जब हम लोग कपड़ा देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं जब कपड़ा कोई मशीन में बनाया गया, ये तो कोई जो तांत चलाते हैं वीवर वो बनाया है, असल में भगवान बनाया, इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियस, जो मूल कारण को देख सकता है सब समय। इस विषय में एक सुंदर कहानी है, थोड़ा आप लोग सुनिए कि नारद जी भगवान का पास जा रहे हैं, तो उसमें रास्ता में एक चमार से मुलाकात हुआ और वो पूछा नारद जी से, महाराज आप किधर जा रहे हैं? नारद जी बताया कि मैं भगवान से मिलने को जा रहा हूँ। तो वो चमार नारद जी से पूछा कि थोड़ा भगवान से पूछिएगा हमारी मुक्ति कब तक होगी। अच्छा हम पूछेंगे। और रास्ता में इसी प्रकार और एक ब्राह्मण से मुलाकात हुआ, बहुत भारी पंडित दार्शनिक, वो भी यही बात पूछा नारद जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोला हम जा रहे हैं वैकुंठ भगवान से मिलने के लिए। तो हमारा विषय कुछ पूछिएगा, जरूर पूछेंगे। तो नारद जी जब भगवान के पास आए, बातचीत होने का पश्चात नारद जी पूछा भगवान से, देखिए रास्ते में आते आते
एक ब्राह्मण से भी मुलाकात हुआ और एक चमार से भी मुलाकात हुआ, दो ही यही बात पूछे हैं, तो उसको क्या जवाब दे। तो भगवान बताया, देखो जी ब्राह्मण का तो अभी बहुत देर है, और जो चमार है इसी जीवन में उसकी मुक्ति हो जाए। तो नारद जी थोड़ा आश्चर्य हो गया, ये ब्राह्मण का विषय बोलते हैं देर है, और चमार का विषय बोलते हैं जे इसी जीवन में उसका मुक्ति हो जाए, क्या बात। तो भगवान बोला, आज देखो जब वो पूछेगा आज भगवान क्या कर रहे थे, तो बता देना कि भगवान एक सुई का जो छिद्र होता है उसके भीतर से एक हाथी को इधर ले आते हैं और हाथी को उधर ले जाते हैं। तो नारद जी समझे हुए तो थे, परंतु थोड़ा हंस के, और फिर लौट के जब गया तो ब्राह्मण को जब बोला, ब्राह्मण जब पूछा भगवान क्या काम कर रहे थे, तो बोला भगवान एक सुई का वो छेद जो है उसका भीतर से हाथी को इधर ले आ रहे हैं उधर ले। तो ब्राह्मण का देखिए ये सब जो बातें हैं हमको ठीक अच्छी नहीं लगी, ये कोई संभव है क्या? हाँ वो माना नहीं, और वो चमार का पास जब गया उनको जब बोला वो रोने लगा, ओ भगवान की क्या शक्ति है, भगवान सब कुछ कर सकते। उनका विश्वास है कि भगवान चाहे तो हाथी का सुई का छेद का भीतर ला सकते। तो नारद जी उनको पूछा तुम ये बात को विश्वास किया? हाँ तो चमार बोलता क्यों नहीं करे महाराज, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो कैसे तुम विश्वास किया? हाँ न तो मैं रोजाना देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? मैं देखो हम पेड़ का तरे में बैठे हुए हैं बट वृक्ष, और एक फल बट फल जो नीचे गिरता है उसका भीतर हजारों बीज, और एक एक बीज में एक एक ऐसे बड़े बड़े वृक्ष है, और एक एक वृक्ष में न जाने कितना बट फल है। तो यदि भगवान ये बीज के भीतर इतना एक भारी पेड़ को रख सकता है, तो सुई का छिद्र से हाथी को ले आना नहीं क्या उसके लिए कोई मुश्किल है? तो नारद जी समझा जो ये जो चमार है ये पूर्ण भगवान का विश्वास है, अचिंत शक्ति। भगवान का विषय यदि अचिंत शक्ति हम लोग स्वीकार ना करें, ओ तो फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। यदि हम समझते हैं अच्छा भगवान मान लिया है, भगवान है कृष्णा, बाकी थोड़ा हमसे ज्यादा होगा और क्या, हाँ हाँ हम एक मन बोझा उठा सकते हैं, भगवान दो मन नहीं तो चार मन। और जब बोला जाता नहीं भगवान तो सात वर्ष उम्र में पहाड़ को उठा लिया, नहीं नहीं ये सब बात क्यों कि वो अपने की ऐसी भगवान को मानते, जो हमारी जैसी शक्ति है ऐसी भगवान भी हो। अब जानती मान मूढ़ा मानसिन तनुवासी, क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य के हो करके हम लोग को कृपा करके, जैसे भगवान ये जो मूर्ति अच्छा मूर्ति, तो भगवान क्योंकि हमारा ये जो आँख है अभी तो भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान को क्या छोड़ दीजिए, भगवान को जो अंश स्वरूप जीवात्मा है
उसको भी हम लोग देख नहीं सकते। हाँ, ये जो जब जीवात्मा ये शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता, मर जाता है, कोई काम का नहीं, एक कौड़ी का भी दाम। और जब तक जीवात्मा ये शरीर में है, देही नस्मिन यथा देही, तब तक ये शरीर का दाम बहुत है। तो वो जो जीवात्मा है ये हम लोग आंख से तो नहीं देख सकते। कैसे जीवात्मा छोड़ दिया, कैसे इसके भीतर है, बड़े बड़े डॉक्टर है, एनालिसिस करके देखो जी कहाँ जीवात्मा है, नहीं देख सकते। क्योंकि ये आंख से जड़ जो है, जड़ आंख से चेतन वस्तु का दर्शन नहीं होता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, परंतु भगवान कृपा कर जैसे हम लोग दर्शन कर सकता हूं उसी प्रकार मूर्ति से ये मंदिर में भगवान आए। अगर कोई कहे जब ये तो पत्थर है, ये भगवान कहाँ है, नहीं भगवान को छोड़ करके तो कोई चीज है ही नहीं, पत्थर भी तो भगवान है, भगवान से ही तो कारण, पत्थर का कारण कौन है, पत्थर का कारण तो भगवान है। भगवान पहले ही बताया भूमि रप अनलो वायु, तो पत्थर मट्टी है, तो मट्टी आया किधर से, आप तो मट्टी नहीं बना सकते। तो उसका कारण कौन है, भगवान कहते हैं भिन्ना में प्रकृति अस्तधा, ये जो भूमि आठ प्रकार के भौतिक चीज स्थूल और सूक्ष्म, हाँ मट्टी पानी और अग्नि, मट्टी जल अग्नि और वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये पांच चीज स्थूल है और तीन चीज सूक्ष्म है। तो जीवात्मा का दो शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर हम लोग देख सकते हैं और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसका मन बुद्धि अहंकार सबको ही हम लोग जानते हैं जी। आपका भी मन है, हमारी भी मन है, आपकी भी बुद्धि है, हमारी भी बुद्धि है, बाकी हम लोग देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। और उससे भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा, तो कैसे हम लोग देखेंगे। तो जब भगवान का थोड़ा सा अंश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो भगवान जो पूर्ण है चेतन नित्य नित्यानां चेतन चेतनाना, तो फिर हम लोग भगवान को कैसे देख सकेंगे ये आंख से, नहीं ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करके जो चीज मैं देख सकता हूं उसी प्रकार हो करके हमको दर्शन दे, ये और चाहूं। बाकी हम लोग मूर्ख है, कहते हैं देखो जी एक पत्थर ले आकर के ये लोग पूजा, और कोई ऐसा बेकू है बोलता पत्थर पूज के हरी मिले तो मैं पूजे पहाड़, नहीं ये के बड़े बड़े आचार्य लोग ये पत्थर पूजने के लिए नहीं, साक्षात भगवान खाली आंख होना चाहिए, देखने का आंख होना चाहिए। प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन ही न संत सदैव हृदय से विलोकन, जिसका प्रेम है वो देख सकता है भगवान, और वो देख सकता है जो भगवान ही सबका कारण है। जैसा ये चमार बोलता है क्यों नहीं माने, वो जो पढ़े लिखे है बड़े तर्क करने के लिए मजबूत है, वो तो माना नहीं, ये संभव नहीं। क्या एक सुई का छिद्र से हाथी को इधर ले आना उधर ले आना, क्योंकि उनका विषय वो चिंतनीय नहीं है, वो चिंता से उसको समाधान ही नहीं कर सकती, ये कैसे संभव। हाँ, तो इसलिए
भगवत दर्शन करने के लिए पहले तो भगवान की अचिंत शक्तियां है उसको मानना चाहिए, जो हमारा चिंतनीय वस्तु नहीं है। भगवान में अचिंत शक्ति है, यदि भगवान में अचिंत शक्ति नहीं है तो फिर ये भगवान कैसे है? ये इसलिए भगवान कहते हैं कि श्री भी गुणमयी भाव रे भी सर्वमिदम जगत। वो क्यों नहीं देख सकता है? वो जो माया का तीन गुण है, सतगुण रजगुण तमगुण, उससे फंसे हुए हैं, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। मोहितं नाभिजानाति, माया द्वारा मोहित हो गया। उसका बैकग्राउंड में, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनको कोई चीज पूछा जाए वो बोलता है नेचर। हाँ, नेचर क्या चीज है? नेचर तो एक शक्ति है, बाकी किसकी शक्ति है उसको तो समझना चाहिए। और उसको जवाब भगवत गीता में है कि नेचर जो है, नेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वाधीन नहीं है। हाँ, भगवान खुद कहते हैं मयाध्यक्षे न प्रकृति सुयते स चराचरम। प्रकृति जो है नेचर, हाँ मयाध्यक्षे न, हमारी अध्यक्षता से वो काम कर रही। सब शास्त्र का यही विचार है। हाँ, ब्रह्म संहिता में भी यही बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस् भुवनानी विभक्ति दुर्गा। दुर्गा शक्ति जो है प्रकृति, वो सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकती है, इतनी भारी शक्ति है। परंतु हाँ, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस् भुवनानी विभक्ति दुर्गा। छाए जैसे छाया, पर छाया वो जब वो व्यक्ति हिलता जुलता है उनकी परछाया भी हिलता जुलता है, असल चीज वो व्यक्ति। इसी प्रकार जैसे साधारण उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, एक बड़े आदमी का पत्नी बहुत खर्च कर रहा है, तो बाकी उनको खर्च करने के रुपया कहाँ से मिले? उनके पति देते रुपया तो वो खर्च करते हैं, स्वाधीन नहीं है। ये साधारण विचार है। इसी प्रकार प्रकृति जो है विष्णु शक्ति, भगवान की शक्ति, पराशर शक्ति विविध श्रियत, उनकी शक्तियां इतने है तो वो उसको हमको मालूम ही नहीं हो सकता कितना शक्ति है। एक दुर्गा शक्ति का पावर देख के हम लोग चमत्कार हो गए। और सब बहुत से शक्तियां, पराश शक्ति विविधैव श्रियते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। वो शक्ति इतना सूक्ष्म है, जैसे बीज, वो बटवृक्ष का बीज, वो बटवृक्ष का बीज देखिए, अभी किताब खोलिए तो ऐसे ऐसे सब चींटी निकल आते हैं, बहुत ही छोटी, एक फुली स्टाफ से भी छोटी, वो भी हिलता जुलता है। आप उसको कहाँ उसका हाथ है, पैर है, हार्ट है, सब चीज उसमें है। सब चीज उसमें है तभी तो हिलता जुलता है। बायोलॉजिकल ट्रूथ, ये सी चीज अगर नहीं हो तो वो तो लिविंग उसको नहीं हो सकता। सब उसमें, बाकी कहाँ है, किधर? हम लोग एरोप्लेन बनाए बड़ा मशीन, बहुत बहादुर है। बाकी भगवान एरोप्लेन बनाते हैं, एक छोटी सी कीड़ा है वो भी बहुत उड़ता है इधर, और उसमें क्या मशीन है, किस तरह से उड़ रहा है बताइए। तो इसी प्रकार यदि हम लोग भगवान की अचिंत शक्ति ये स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान को अगर हम लोग यही समझेंगे कि हमारे ही ऐसे होगा, इसको कहा जाता है कूपमंडूक ने, कुआं का मेढक। कुआं तीन हाथ पानी है, उधर एक मेढक बैठे, उसके एक मित्र आके कहते हैं
अजी भाई साहब, हम तो आज एक बहुत भारी जल जलाशय देख के आए। कहाँ? वो अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। अच्छा, बहुत भारी है। कितना बड़ा है? अरे बहुत बड़ा है। अच्छा, इससे और थोड़ा बड़ा हो, और थोड़ा बड़ा हो, तीन हाथ उसका एक्सपीरियंस है, वो समझते चार हाथ हो। अच्छा चलो पांच है, चलो छह हाथ, चलो दस हाथ। अरे चलो चलो करते करते वो अटलांटिक का पैसिफिक का तुमको कैसा मालूम होगा? इसी प्रकार भगवान की अचिंत शक्ति, अचिंत हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते। इस बात को अगर हम लोग स्वीकार ना करें फिर आगे नहीं बढ़ सकते। कि हम लोग अगर ऐसी समझें कि हमारी जो शक्ति है उससे और थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या, डबल होगा, तीन डबल होगा, चार डबल होगा, दस डबल मानो। नहीं, अचिंत, तुम्हारा चिंतनीय का वस्तु ही है नहीं, कितनी शक्ति है। तो ये वो नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं समझते, इसलिए उसका आकार तो निर्देश नहीं कर सकते हैं, फिर आगे जाकर के वो खत्म कर दे, सर मान लो निराकार, बस हो गई काम। जब आकार को वो कुकोमंडो वो जब ठीक नहीं कर सकते हैं, जहाँ इससे भी बहुत भरा अटलांटिक पैसिफिक ओशन होता है, बट वो चिंता नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं निराकार है बस। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जे मोहितम नाभि जानाती, ये जो सब मोहित है माया से, ये भगवान की शक्ति क्या चीज है उसको समझ में नहीं आता। हाँ, निराकार का अर्थ होता है जिसका आकार निर्णय नहीं होता। भगवान चाहे तो इतना बड़ा अनोरणीय महतो महिया, तुम सबसे बड़ा आकाश को चिंता कर सकते हो, ये आकाश सबसे बड़ा, बाकी ऐसे करोड़ों आकाश उनका पेट का भीतर। इसलिए कहते हैं जैसा जसोदा माई, जसोदा माई कृष्ण का विषय, उनके सब छोटे छोटे मित्र जसोदा माई का आकर के शिकायत किया, माता जी ये कृष्ण आज मट्टी खाया, मट्टी खाया, अरे कृष्णा तू मट्टी खाया? नहीं माता जी नहीं खाया। नहीं रसा बोल रहे हैं, ये झूठ सा बोल रहे। हाँ बलराम भी बोल रहे हैं, नहीं बलराम भी उसके साथ हो गया। हाँ आज सवेरे हमसे कुछ झगड़ा हो गया, इसलिए आपके पास शिकायत है। फिर वो लोग को बोले क्या तुम लोग सब झूठ बोलते हो? नहीं माता जी वो खाया, हमने सब देखा है। हाँ अच्छा तो तुम जरूर खाया है? नहीं माता जी झूठ बोल। अच्छा मुंह दिखाओ, दिखाओ तुम मुंह खोलो हम देखें। जब मुंह खोलता है देखता है सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड उसका मुंह कर, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये भगवान का विषय है। हाँ रोम रोम में है, शास्त्र में कहते जस्सैकनिःश्वसित कालमथावलम्ब जीवन्ति लोम विलजा जगदन्ननाथा विष्णु महान सयजस्य कला विशेषु गोविंदमादि खुदि संतमहं भजामि। जस्सैकनिःश्वसित कालमथावलम्ब, ये जो निश्वास हम लोग फेंकते हैं, वो जब भगवान महाविष्णु जो कारण जल में लेटे हुए हैं, वो जब निश्वास फेंकते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड का मालिक है जगत ब्रह्मा जी। इसलिए कहते हैं जस्सैक निश्वसित काल मथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदन्ननाथा। एक ब्रह्मा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि शिव है, अनंत कोटि सूर्य है, अनंत कोटि चंद्र है, सब अनंत कोटि। ये सब खबर तो मालूम नहीं है भाई, शास्त्र से मालूम होना चाहिए। जस्सैक निश्वसित कालमथावलम्ब जीवन्ति लोम विरजा जगदन्ननाथा। विष्णु महान, ये महाविष्णु जिससे ये भौतिक जगत पहले शुरू होती है,
महाविष्णु से गर्भोदोक्षाय विष्णु, गर्भोदोक्षाय विष्णु से क्षीरोदोक्षाय विष्णु, ये सब विष्णु पालन करने वाले। तो ये सब तो खबर हम लोग को मालूम नहीं है, माया के द्वारा आंख ढका हुआ है। हम लोग समझते हैं कि भगवान हमारे यही से कुछ होगा, और ज्यादा हमसे हम इतना है भगवान इतना होगा। वो कूपमंडूक न्याय उसको कहा गया। कूपमंडूक जो कभी वो समुद्र का देखा ही नहीं, वो कैसे समझेगा समुद्र कितना बड़ा। हाँ, इसलिए और भगवान को देखने के लिए आंख बनाना चाहिए। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथ जी का दर्शन किया, उसी उसी समय मूर्छित होकर गिर गए। हाँ भगवान। और हम लोग कहेंगे देखो ये एक लकड़ी का मूर्ति है और उसको देख करके ये पागल गिर गया। तो आंख होना चाहिए। वो आंख नहीं है, आंख नहीं होने का कारण मोहितम नाभि जानाति, मोहित हो गया। जैसा सूर्य, सूर्य बहुत बड़ा है, हम लोग सबको ही जानते हैं। ये जो धरित्री है इससे 14 लाख गुण बड़ा। और हम लोग कहते हैं देखो जी आज बादल से सूर्य ढक गया। अरे सूर्य कोई बादल ढक सकता है? बादल कितना बड़ा होगा? ज्यादा से 100 माइल होगा, 200 माइल होगा। और सूर्य तो है तुम्हारा ये धरित्री से 14 लाख गुण बड़ा, तो कैसे इसको ढाकेगा? वो समझते नहीं कि हमारा आंख को ढाक दिया। वो सब बोलता है कि सूर्य को ढाक दिया बादल। इसी प्रकार वो बोलते हैं कि माया जो है भगवान को ढाक दी। माया को माया माया भगवान की, भगवान के हुकुम से काम करती है। भगवान को ढाक कैसे? इस शास्त्र में विचार, अपश्यत पुरुषम्पन्नम माया के जद उपासितम। व्यासदेव जब ध्यान किया भागवत लिखने का, परम पुरुष को देखा और माया को भी देखा, तो माया के जद उपासना, माया भगवान को ढाक नहीं सकता। माया हमारा आंख को ढाक सकता है जिसमें कि भगवान को दर्शन हमारा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मोहितंग नाभि जानाति मामेव परमाभय, परमाभय। भगवान का क्षय भय नहीं, ये सब जानते नहीं। इसलिए भगवान को समझने के लिए भगवत भक्त वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो, भगवान प्रकाश होते। सेवन मुखी ही जीव भादो स्वयमेव, जैसे सूर्य प्रकाश होता है। आप रात में सूर्य को नहीं देख सकते, अगर आपके पास टॉर्च लाइट है कि चलो छत से तुमको सूर्य हम दिखाएंगे, ये संभव है नहीं। वो टॉर्च लाइट नहीं, हजारों पावरफुल थर्ड पर ले आप नहीं देख सकते। जब सूर्य उदय होगा कृपा कर तब आप देखो। इसी प्रकार भगवत उदय होने से, भगवान की कृपा होने से जब आपका सामने उदय होगा तभी आप देख सकेंगे। ये अपनी बुद्धि से और कूपमंडूक मेंढक का ऐसा विचार करने से, तो विचार ही करते रहेंगे भगवत दर्शन कभी नहीं। इसलिए कहते हैं चिरंग विचिन्न न चान्न एकोपि चिरंग विचिन्न अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वम् न चान्न एकोपि चिरंग विचिन्न। हे भगवान, आपकी कृपा की लेश मात्र जिसका ऊपर है वो तो आपको दर्शन कर ले। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद, आपका चरण का प्रसाद, थोड़ी सी कृपा जिसका ऊपर गिरा। तो अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत जानाति तत्त्वम्। जिसके ऊपर थोड़ा ही भगवत प्रसाद हुआ वो तो भगवत तत्त्व। भगवत तत्त्व मालूम करना साधारण बात नहीं है। भगवान खुद भी कह रहे मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धः,
जदताम अपि सिद्ध्यान कश्चित वेत्तिमान तक बड़े बड़े सिद्ध लोग वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। बाकी भगवान की कृपा लेस मात्र किसी का ऊपर हो तो भगवान को समझे। प्रसाद ली शान गृहित यो भी जानाति तत्त्वम् न चार न एको भी चिरं विचलन। और दूसरे जो है ये अनंत कोटि चिंताएं करते रहे वो भगवान को नहीं समझे। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। भगवान खुद कहते हैं जो हम सबका सामने दर्शनीय नहीं है योग माया वो आच्छादन करते हैं। तो इसलिए भगवान खुद भी कहते हैं मोहितम नामि जानाति मामे बत परम अभयम परम भाव अजानं। तो और ये ऐसी बात है तो अब भगवान बता रहे यदि हमको जानने को चाहते हो तो उसका उपाय भी बता दिया है। भक्त्या माम अभिजानाति जा बालजस्यामि तत्त्वतः भक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती नहीं साधारण समझ लीजिए। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े धनी है अगर समझ लीजिए बिल्ला जी से मिल गया और उनसे क्या बिल्ला जी आप बताइए आपके पास कितना रुपया है वो बताएगा थोड़ा ही तुम सोचते ही रहो अगर होगा 10 करोड़ नहीं कोई नहीं नहीं 20 करोड़ कोई नहीं और ज्यादा बोलते नहीं नहीं इतना नहीं ये सब सोचते ही रहो। और यदि बिल्ला जी आपको देखो जी हमारा पास इतना तो फिर आपको समझ में आएगी आपको सोचने का क्या जरूरत। तो ये सोचने का काम छोड़ दी यदि आप भगवान को समझने भगवान अनर्णीयान महतोमय वो क्षुद्र से क्षुद्र भी है वो भी आप नहीं सोच सकेंगे। जैसा जीवात्मा क्षुद्र है वो भी आप नहीं देख सकते हैं और भगवान बहुत बड़ा है वो भी आप नहीं देख सकते। दोनों ही असंभव अनर्णीयान। यदि आप बोलेंगे जो भगवान भगवान है अरे जीवात्मा तो है आपका शरीर में है हमारा शरीर में है सबके शरीर में चींटी का भी शरीर दिखाई देखी कहां अंडांतरस्थम परमाणु चयन परमाणु को हम लोग देख नहीं सकते उसके भीतर भगवान। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए भगवान को समझने के लिए वो तो भगवत प्रेम बिना नहीं हो सके वो भक्ति। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है उनको सिखा रहे जो भगवत दर्शन करने की क्या पद्धति तो उसको अनुभव वो पद्धति आप यदि उसको अनुसरण करेंगे तो आस्ते आस्ते आपको मालूम कैसे मालूम होगा। जैसा आप भूखे हैं आपको खाने की चीज दिया जाता है अच्छा चीज स्वादिष्ट और पुष्टिकर तो उसको आप जितने खाएंगे आपके शरीर में बल भी अनुभव होगा और आपको खाने का भी बड़ा स्वादिष्ट मालूम होगा। इसी प्रकार ये भगवत संपर्क भगवान को देखने के लिए भगवान को समझने के लिए जो शास्त्र में पुष्टिकर खाद्य बताया भक्ति उसको भक्ति को ग्रहण करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भगवान को बोलो ऐसे नहीं जल्दी से भगवान एक तबे नाचते नाचते बंसी लेकर के हमारा सामने खड़ा हो जाएगी। अरे भगवान तुम्हारा बाप का नौकर है खड़ा हो जाएंगे आगे भगवत भजन करो सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कं शरणं व्रज। पहले तो शरणागत हो क्यों बड़ा घमंड है भगवान क्या हम भगवान सब भगवान तीस को तो आगे तोड़ो ये जो बदमाशी है राक्षसी बुद्धि है इसको आगे छोड़ो तब भगवान का बात बोलो। जब तक राक्षस रहोगे तो राक्षस के भगवान को समझ सकते जैसे हिरण्यकशिपु राक्षस सब समय चार बड़ा पाप आखिरी में उसको भी समझने पड़ा भगवान भी ऐसा एक मूर्ति होता है आया उसको सामने निशिंग वाले वो बड़ा चलाक हिरण्यकशिपु
ब्रह्मा जी से बल लिया था, ब्रह्मा जी से बहुत तपस्या की, बहुत भारी तपस्या, सारा दुनिया को हिला दिया। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए, केवल तुम क्या चाहते हो, इतना भारी तपस्या कर रहे हो, सब आदमी को तकलीफ दे रहे हो। नहीं, हम अमर होने को चाहते, हम मरेंगे, आप ऐसा बर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोला, तो हमसे बढ़ लगे, हम भी तो मरने वाला है, इधर कौन है जो मरेगा, तो ये तो हो नहीं सकेगा, तो हमसे बढ़ लोगे क्या, हम तो खुद ही मरने वाला। अच्छा, तो बड़ा चलाक है, यशु लोग बहुत चलाक होते हैं, चतुर होते, तो देखा कि उल्टा सीधा करके कोई तरह से अमर अगर हो सके तो उसको उपाय किया जाए। क्या, देखो जी, हमको कोई मनुष्य नहीं मारेंगे, कोई देवता नहीं मारेंगे, कोई पशु नहीं मारेंगे, और मैं दिन में नहीं मरेंगे, और रात में भी नहीं मरेंगे, और आकाश में भी नहीं मरेंगे, और जमीन में भी नहीं मरेंगे, पानी में भी नहीं मरेंगे। इसी प्रकार उनकी बुद्धि जितनी थी सब खत्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, सब ठीक है, तुम इससे नहीं मरोगे। हाँ, वो ठीक कर लिया, अब तो हम मरने वाले नहीं, बस हमार हो गया। बाकी वो भगवान की जो बुद्धि होती है ना, उस सब समय दो आंगली बड़ी, तो उसको मारा इस तरह से, वो दिन भी रात नहीं, दिन भी है नहीं, रात भी है नहीं, और पशु भी है नहीं, मनुष्य भी है नहीं। इसी प्रकार भगवान एक मूर्ति धर के आया, ब्रह्मा जी को बात रख दिया। हाँ, इसलिए निसिंह, आधा सिंह मूर्ति आधा मनुष्य मूर्ति, और उसको जमीन में भी नहीं मारा, जल में भी नहीं मारा, आकाश में ही अपना गोद में रख के मारा। क्या आप लोग सब जानते हैं प्रहलाद चैतन्य है। तो इसी प्रकार जो राक्षस होते हैं उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, बाकी वो सब बुद्धि से भगवान का पास कुछ काम नहीं चलता, भगवान की बुद्धि और ज्यादा। ये सब समय समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं मोहित अंगना, ये लोग मोहित है, ये राक्षस लोग सब मोहित है, ना भी जानाती, इसलिए भगवान को जान नहीं सकता। भगवान को जानने के लिए एकमात्र भक्ति है, और भक्ति तभी शुरू होगी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, जब भगवान का चरण में पूर्ण शरण आ गई, तो वो सबका हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंत्र ज्ञानवान माम प्रबद्धती वासुदेव सर्वमीति समात्मा, अनेक जन्म तपस्या करके और साधना करके जब वास्तविक वो ज्ञानवान होता है, तब वो भगवान का चरण में वो सिर झुकाता है, जो वासुदेव सर्वमीति, भगवान ही सब कुछ है, भगवान की शक्ति का विकास है, जो परस ब्रह्म न शक्ति, ये इसको समझ में आता है। और जब तक वो बात नहीं होती है, तो ये जो श्लोक भगवान बताते हैं, त्रिभी गुणमयी भावी रे भी सर्वविदम जगत मोहित ना भी जान, कि मोहित है ये क्या समझेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम